सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल पंजाब न्यूज़ अपडेट देख रहे सारे ही स्रोतियां नूं जी आयां नूं जी। सूबे पंजाब दीआं वड्डीआं चोणवीआं खबरां दा स्पैशल बुलेटिन प्राइम टाइम लैके हाजिर हाँ जी। वीडियो नूं शुरू तों लैके अंत तक जरूर देखियो तां जो तुहाडे तों सूबे पंजाब दी कोई भी नेकी अते वड्डी खबर मैस ना होवे। दोस्तों शुरुआत करदे हां सूबे पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां दे प्राइम टाइम दी। नवीं मुश्किल दे विच फसे चन्नी विजिलेंस वालों जू दूजी जांच की तैयारी। गोवा चो सरकार की जमीन का मामला सो वड्डी अपडेट वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है जी। आमदन तो वध जायदाद मामले दे विच विजिलेंस की जांच का सामना कर रहे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दीआं मुश्किलां वध सकदियां ने। विजिलेंस गोवा दे विच किनारे पंजाब सरकार की 8 एकड़ जमीन सस्ते रेट से लीज से देने की जांच शुरू कर दी। यह जमीन एक 5 स्टार की चेन में दिती गई है। हालांकि अजे विजिलेंस ने कोई रस्मी बयान नहीं दिता। सूत्रों मुताबक विजिलेंस इस मामले में एक नवा केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों मुताबक सीएम भगवंत मान वालों संबंधित विभाग में जमीन संबंधी रिकॉर्ड विजिलेंस को सौंपण और जांच को तेजी से जांच करन दे बोल के हुक्म दिते ने। मिली जानकारी मुताबक पंजाब दी गोवा विच मौजूद 8 एकड़ जमीन का सिर्फ खेती जा बाग लाउन लई इस्तेमाल किया जा सकता है। दोष हन कि कांग्रेस सरकार के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कार्यकाल दौरान इस 8 एकड़ जमीन नू 5 स्टार होटल चेन नू अलाट कर दिता। सूत्रों मुताबक जमीन नू गोवा की नवी टूरिज्म पॉलिसी तहत 1 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब नाल अलाट किया गया है। चन्नी नू इस जमीन बारे पहला ही पता सी। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सन तां चन्नी सभ्याचारक विभाग के मंत्री सन। उस दौरान उन्होंने गोवा विच पंजाब सरकार की जमीन बारे जानकारी सी क्योंकि उस दौरान कई होटल कंपनियां पंजाब सरकार नाल संपर्क करने की कोशिश कर रही सन। चंडीगढ़ PGI दे विच इन आसामियों लई निकली भर्ती अप्लाई करने की आखिरी मिति पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने 206 आसामियों लई ग्रुप ए बी और सी पोस्ट नोटिफिकेशन जारी किया। PGI चंडीगढ़ लई ऑनलाइन अर्जी की प्रक्रिया 13 जून 2023 तो शुरू होगी। अप्लाई करने की आखिरी मिति 13 जुलाई 2023 है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अधिकारित संस्था की वैबसाइट pgimer.edu.in ते अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार की चोण लिखती प्रीख्या इंटरव्यू और दस्तावेज तस्दीक द्वारा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लिए चैनल दे पाई शॉर्ट वीडियो चैक कर सकते हो। BBMB तो हिमाचल नूं पानी देने का मामला CM भगवंत मान ने PM मोदी नूं लिखी चिट्ठी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने BBMB तो हिमाचल प्रदेश नूं पानी देने दे मामले नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल नूं पानी देने ते NOC की शर्त हटाने का विरोध किया। मान ने कहा कि केंद्र सरकार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नूं पानी देने का हुक्म नहीं दे सकती। प्रधानमंत्री नूं लिखे पत्र विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 मई 2023 इस बारे भाखड़ा ब्यास प्रबंधकी बोर्ड के चेयरमैन हदायतां जारी कीतियां ने। उन्होंने कहा कि इन्हां हदायतों में भारत सरकार ने BBMB के चेयरमैन आदेश दिता कि NOC देने के भी बावजूद मौजूदा व्यवस्थावां इस शर्त उत्ते खत्म कर दिता जाए कि हिमाचल प्रदेश सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट वल्लों बिजली लई तय किए 7.9% हिस्से से घट कुल पानी लेना होगा। भगवंत मान ने अगे कहा कि BBMB की सप्लाई सिंचाई प्रोजैक्टा हिमाचल प्रदेश वालों पानी लैन वास्ते सिर्फ तकनीकी संभावना का अध्ययन करेगा। जेकर वह भी BBMB का इंजीनियरिंग ढांचा शामिल है तो इसके प्राप्त होने तो 60 दिन के अंदर लोड़ीदियां तकनीकी लोड़ा हिमाचल प्रदेश में दसिया जाएगियां। अगली खबर दोस्तों तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं जी। पंचायतों पर रहेगी सरकार की निगाह, सरपंचों पर नहीं चलेगी मनमानी। नवे दिशा निर्देश जारी। हुण सरकार दी पिंडां दीआं पंचायतां ते पूरी नज़र रहेगी। पंचायतां सिर्फ अपने चेतियां दीआं ही गलियां दी वार वार मरम्मत नहीं करा सकणगीआं। इस उपर शिकंजा कसण लई पेंडू विकास अते पंचायत विभाग ने गलियां नालियां दी मरम्मत अते उन्हां नूं उच्चा चुकण संबंधी तय शर्तां कीतीआं ने। हासिल जानकारी मुताबक विभाग अते पंचायती राज विंग दे कार्यकारी इंजीनियर वल्लों
ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਏਡੀਸੀ ਰੂਲਰ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪੱਲਵੀ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਪੱਲਵੀ ਠਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ, ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ CMC ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ATM ਕੈਸ਼ ਸਮੇਤ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। DGP ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 60 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੱਟ ਤੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਣੀ ਵੱਲ ਸਿਰਫ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6,500 ਉੱਚ ਨੈੱਟਵਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥਿੰਗ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7500 ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਇਸ ਸਾਲ 13,500 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਸਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ। ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ
दोष लगे ने वास मंत्री शॉन फ्रेजर ने कहा कि विद्यार्थियों नूं हुणे हिसाब करन दा मौका दिता जाएगा कि उन्हां दा फायदा उठाया गया। विद्यार्थियों दे दाखला पत्र जाली होने बारे प्रशासन नूं मार्च विच पता लगा सी जदों इह पक्की रहायश लई अपलाई कर रहे सन। सोमवार नूं संसद विच जवाब दिंदिआं फ्रेजर ने कहा कि बेकसूर विद्यार्थी जो कि धोखाधड़ी दे शिकार हन नूं इह साबित करन दा मौका दिता जाएगा कि उन्हों का फायदा उठाया गया। सरकार इस लिए एक ढुकवा हल उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि भविख बारे बनी इस बेजकीनी कारण कई विद्यार्थी मानसिक तनाव का शिकार हैं। एन डी पी मैंबर जेनी काबान वालों पूछे सवाल के जवाब में फ्रेजर ने यह टिप्पणी की। हालांकि मंत्री ने कहा कि धोखेबाजा तो ज इस साजिश में शामिल व्यक्तियों कनेडा के कानून की पालना ना करने के नतीजे भुगतने पैणगे। निजी होटल दे चन्नी सरकार की मेहरबानी 8 एकड़ जमीन का किराया सिर्फ 1 लाख रुपया प्रति महीना। सो भी वड्डी ते हैरान कर देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। चरणजीत चन्नी ते एक होर मामला दर्ज करने की तैयारी है। चन्नी के इस फैसले दो तौर विभाग मंत्री किया गया है। सो तो पंजाब विजिलेंस सैर सपाटा सभ्याचारक विभाग में 4 पत्र जारी करद मामले का सारा रिकॉर्ड मिल गया। पंजाब सवालों का परफॉर्मा भी तैयार कर लिया गया है। हुशियारपुर पंचायत मंत्री की वड्डी कार्रवाई। लालजीत भुल्लर ने 850 एकड़ रकबे तो नजायज़ कब्जा छुड़वाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों जिला हुशियारपुर के हुण तक दूजे सब तो वड्डे रकबे तो नजायज़ कब्जा छुड़वाया गया है। पंजाब के पेंडू विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पिंड डडियाला 850 एकड़ पंचायती जमीन तो नजायज़ कब्जा छुड़वाया। इस पिछों पत्रकारों नाल गलबात करदे लालजीत भुल्लर ने कहा कि इस जमीन का बाजारी मुल 170 करोड़ रुपए बनता है। इस पिंड की कुल 1013 एकड़ पंचायती जमीन में 115 एकड़ रकबे ते काबजकारां वालों पहला ही स्वै इच्छा नाल कब्जा छड्या जा चुका जबकि दो धुरों विचाले 50 एकड़ जमीन संबंधी केस अदालत में चल रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग वालों अदालती मामलों के निपटारे संबंधी पैरवाई में होर तेजी लियांदी जाएगी। रहिंदी जमीन भी छेती कब्जाकारां तो मुक्त करवाई जाएगी। दिल्ली हवाई अड्डे ते कस्टम अधिकारियों ने उबेजक दादी पोती 8.5 करोड़ रुपए के मुल के 7 किलो सोने ने किया काबू। अड्डे ते उजबेक दादी पोती 8.16 करोड़ रुपए के 7.5 किलो सोने समेत गिरफ्तार किया है। आर टी आई भरन वाल नवी गाइडलाइन राहत जाफ्त जेकर तुसी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तां तुहाडे लई खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्स दाता ने राहत दिंदिया कहा कि हुण तुहाडी इनकम ते किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार हुण अजिहियां सहूलतां देण जा रही है जिस का फायदा लैण लई तुहानू इनकम ते कोई टैक्स नहीं देना पवेगा। इस नूं लैके सरकार वल्लों गाइडलाइन जारी कर दिती है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम से कोई टैक्स नहीं हुंदा। इस तों अलावा अजिहे आमदन स्रोत हैं जिन्हां दे तुहानूं 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पैंदा। अज असीं उन्हां बारे तुहानूं कोई टैक्स नहीं देना पवेगा। हरजोत सिंह बैंस वल्लों गलत तरीके नाल बने राशन कार्ड रद्द करन दे हुक्म। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अज जिला रूपनगर दे खुराक ते सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों नूं हदायतां कीतियां हन कि विधानसभा हलका आनंदपुर साहिब के जिन्हां व्यक्तियों ने स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड कट्टे गए हैं उन्होंने मुड़ रिव्यू किया जाए तां कोई असल लोड़वंद सरकारी स्कीम का लाभ तो वांझा ना रह जाए। बैंस ने दस्सिया कि विधानसभा हलका आनंदपुर साहिब के असल लोड़वंदां दे स्मार्ट राशन कार्ड कट्टे जाण दा मामला उन्होंने ध्यान में आया सी जिस ते तुरंत कार्रवाई करदिआं जिला खुराक ते सिविल सप्लाई कंट्रोलर श्रीमती नवरीत कौर नाल इस संबंधी मीटिंग की गई। मीटिंग दौरान उन्होंने हदायतां कीतियां कि विधानसभा हलका श्री आनंदपुर साहिब अधीन आउंदे खेत्र दे जिन्ने भी स्मार्ट राशन कार्ड कट्टे गए हैं उन्होंने तुरंत रिव्यू किया जाए। जेकर किसी योग लाभपात्री का कार्ड गलती नाल कट्टिया गया तो उसनूं मुड़ बहाल किया जाए। पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों की सीनियोरिटी लिस्ट की गई जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों मंत्रिमंडल में नवे बने मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया ते बलकार सिंह नूं शामिल करन उपरंत समूह कैबिनेट मंत्रियों की सीनियरता फिक्स कर दिती गई है। पंजाब के 14,239 अध्यापक पक्के करन दा ऐलान तां हो गया पर नवे सेवा निजम अजे स्पष्ट नहीं। सो अपनियां 10 साल दीआं सेवावां पूरियां करन वाले अध्यापकां दीआं आसां बज गईआं हन। सरकार इन्हां नूं पक्का करन जा रही है। फिलहाल निजम स्पष्ट नहीं है। पंजाब सरकार ने 14,240 कच्चे
अध्यापकों को पक्का करने का ऐलान किया। जिन्हें अध्यापकों ने 10 साल अपन सेवावान पूरी कर लिया हैं उन्होंने पक्का करने का सरकार ने भरोसा दवाया, पर अध्यापकों अजे भी सरकार का यह वादा लारा ही लग रहा है, क्योंकि अध्यापकों सरकार पे स्केल सिस्टम और सरकारी मुलाजम सेवा दे निज़म बारे कोई जानकारी नहीं दी। इस वेले 14,000 तो कच्चे अध्यापक काम कर रहे हैं, जिन्हों के ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में कच्चे अध्यापकों इस तो पहला भी एक बार रैगूलर करने का ऐलान किया गया सी, पर इन अध्यापकों की अजे तक सुनी ही नहीं गई। 10 साल सेवा पूरी करने वाले अध्यापक ही होंगे पक्के होने नालों ज़्यादा तनखा वधन की इन्हों खुशी है। आम आदमी पार्टी ने गवर्नर पंजाब के झूठ का किया पर्दाफाश। वीडियो का हवाला देंदे कंग ने कहा कि पंजाब का गवर्नर केंद्र के इशारे उपर चल लगातार पंजाब ते पंजाब सरकार के खिलाफ साजिशां कर रहे हैं, इस विच विरोधी धिर भी उन्हां दा साथ दे रही है। कंग ने सवाल किया कि पंजाब दीआं सरहदां समेत सूबे के वख-वख थावां का दौरा कर खुद नूं पंजाब हितैषी पेश करन वाले गवर्नर साहब कदे केंद्र सरकार नूं इह सवाल करदे हन कि उसना ने सूबे ते RDF ते नैशनल हैल्थ मिशन का पैसा क्यों लकोरख्या है। किसानों के लखां रुपए के तूड़ी के 23 कोप अग न सड़े। सो पटियाला दे विच पिंड फगन माजरा चो लंघी रात एक किसान के 23 कोप तूड़ी दे सड़ के सवाह हो गए ने। किसान का लखां का नुकसान हो गया है। पटियाला सरहद मलूह तो अग बुझाऊ गड्डियां आईयां जिन्हां ने बड़ी मशक्कत दे नाल अग ते काबू पाया। सो फगण माजरा के पिंड दो किसान भरा हरमिंदर सिंह ते हरप्रीत सिंह अपनी ठेके दे लई जमीन 150 एकड़ की वाही करते हैं। किसान सारे खेत की तूड़ी बना के तूड़ी के कुप बन लेने। सो 13 कुप तूड़ी के बने सन ते 150 क्विंटल एक दे विच तूड़ी सी। नौकर ने तूड़ी वाले कुप नूं जांदा देखा जिस तों बाद उसनूं अग लग गई। सिद्धू मूसेवाले के कतल नूं अदालत चू पेश करन नूं लैके मानसा की अदालत ने जेल के सुपरिटेंडेंट नूं दित्ते सख्त हुक्म। मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल मामले में वक्खो वक्ख जेलों के सुपरिटेंडेंट नूं मानसा की अदालत दे वल्लों सख्त हुक्म दिए गए हैं। अगली पेशी उत्ते मुलजम पेश किए जाण। मूसेवाला कतल मामले दे विच मुलजमां दी पेशी बारे जानकारी दिंदे हुए सिद्धू दे वकील ने कहा है कि किसी मुलजम नूं जेल अथॉरिटी वल्लों ना तां वीडियो कॉन्फ्रेंस ते ना ही फिजिकल तौर पर पेश किया गया। इस तों बाद मानसा की अदालत वल्लों वक्खो वक्खरियां जेलों के अधिकारियों को सख्त हदायतों ने कि अगली पेशी उत्ते मुलजमान को पेश किया जाए। सिद्धू मूसेवाला पेशी दे विच मुलजम जगदीप सिंह जगू भगवानपुरी अरशद खान कपिल पंडित पवन कुमार बिश्नोई तनसीब खान की पेशी है जिन्होंने जेल अथॉरिटी वालों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश किया गया है। पै गया पेचा राजपाल के सैशन चू खड़े कर दते सवाल चिट्ठी जारी कीती जारी देना पवेगा जवाब। पंजाब सरकार वालों विधानसभा का विशेष इजलास 19 और 20 जून सद्या गया है तो इस लैके हुण राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सवाल खड़े कर दिते ने। गवर्नर ने विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं चिट्ठी लिख के पूछा है कि पहले यह जानकारी दी जाए कि सैशन में सरकार का एजेंडा की रहने वाला तो इसनों किहड़े नियमां तहत बुलाया। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इजलास में लैके कई लोगों के इतराज आए ने, यह सैशन नहीं बुलाया जा सकता, पर इस सरकार वालों पहला सैशन का एजेंडा दसे राजपाल वालों लिखी चिट्ठी ते हुण एक बार मुड़ पंजाब में सियासी हलचल तेज होने वाली है। पहला भी राजपाल ने विधानसभा के सैशन बुलाने लई मंजूरी नहीं दी सी ते पंजाब सरकार ने स्पीकर नूं लैके सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पिया सी। राजपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी सवाल खड़े किए ने। बनवारी लाल पुरोहित वालों सीएम भगवंत मान नूं लाभ पत्र लिख के कहा गया कि तुहानूं दसना जरूरी होवेगा। कटारू चक मुद्दे जो हुण बिक्रम मजीठिया की एंट्री राजपाल नूं लिखी चिट्ठी दसी अंदरली कहानी। सो यह भी वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है। सो दोस्तों सन सूबे पंजाब दीआं आम अते खास खबरां। वीडियो नूं अंत तक देखने लई तुहाडा धन्नवाद।